आज बिहार में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ, तीन जगह करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, सिवान, वैशाली और मधुबनी में जनसभाएं करेंगे। मुजफ्फरपुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के जंगल राज की याद दिलाई, कहा कि बीजेपी अपने वादों को पूरा कर दी। बिग बॉस के खिलाफ शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान, पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, घूसखोरी के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा मांगा, कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप काफी गंभीर हैं, राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखूंगा। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर टर्की और फ्रांस में बड़ी तनातनी, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हुए आक्रामक, कहा पश्चिमी देश इस्लाम पर हमला कर छेड़ना चाहते हैं जंग। टर्की की संसद में एर्दोगान ने फ्रांस पर बोला हमला, कहा पूरा यूरोप और मैक्रों की इस तरह के उकसावे की गंदी नीति है, ये टर्की की इज्जत का सवाल है। टर्की और फ्रांस में कार्टून वॉर, शार्लो हेब्दे ने एर्दोगान की दिखाई विवादित तस्वीर, ईरान में मैक्रों को बनाया राक्षस। डेनमार्क ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ छेड़ी जंग, विदेशों से मस्जिदों की फंडिंग पर रोक लगाने का ऐलान, संसद में पेश किया फंडिंग रोकने वाला बिल। रूस और अमेरिका में फिर बढ़ सकती है तनातनी, अमेरिका का बयान जरूरत हुई तो यूरोप में तैनात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी पर गाज गिरी राष्ट्रपति ने सस्पेंड किया, गड़बड़ी के आरोपों पर जांच के आदेश दिए गए। बीजेपी सांसद धर्मेश भिथूड़ी ने मानहानि मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल बरी है, एक इंटरव्यू में भिथूड़ी को अपराधी कहने का आरोप था। फरीदाबाद हत्याकांड के खिलाफ देशभर में आक्रोश, हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। बल्लभगढ़ हत्याकांड के खिलाफ एबीवीपी का प्रोटेस्ट, आरोपी तौसीफ के चचेरे भाई कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के खिलाफ नारेबाजी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।